स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 15th of September है और सैटरडे का दिन है। बात करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे गौरी पूजन की। जी हां, गौरी पूजन में महिलाएं माता पार्वती की आराधना करती हैं। ये त्यौहार महाराष्ट्र में ज़्यादातर मनाया जाता है। गौरी पूजन हर साल गणेश चतुर्थी के चौथे व पांचवें दिन पड़ता है। इस दिन देवी का आवाहन किया जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। दूसरे दिन माँ की मुख्य पूजा होगी और तीसरे दिन देवी की विदाई होगी। तो ये तीन दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं महादेवी की पूजा के लिए, माता पार्वती की पूजा के लिए। देवी में सर्वोपरि श्री गणेश से पूजन आरंभ करें। गणपति जी को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से, फिर दोबारा गंगा जल से स्नान करा करके साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें आसन पर रखें। उसके बाद उन्हें वस्त्र आदि अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद माँ गौरी को आपके घर आने और आसन पर विराजमान होने के लिए उनका आवाहन करें। अब वस्त्र अर्पण करके उन्हें धूप दीप दिखाएं और फूल माला और प्रसाद दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद पूजन के समय ओम गौराय नमः या फिर ओम पार्वते नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। गौरी पूजन आम तौर पर सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। देवों को प्रसन्न करने से घर में खुशहाली आती है, वो धन धान्य भी बढ़ता है। ये पति पत्नी के रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा इससे शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही में मनचाहा और योग्य जीवन साथी भी मिलता है। तो गौरी पूजन इस बार, क्योंकि गणेश चतुर्थी आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख को पड़ी थी और आज 15 तारीख को गौरी पूजन किया जाएगा। आज से तीसरे दिन विदाई होगी। तो कुल मिलाकर ये पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है या फिर उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं राशियों की। मेष राशि 10 of Pentacles एंड ईस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। इसी के साथ माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं आज, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा रहन सहन आपका कष्टमय हो सकता है। तो कुल मिलाकर दिन की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे चीज़ों को लेकर के, कमी को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। मित्रों का सहयोग लेकिन पूरा पूरा मिलेगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चिड़चिड़ापन है, जो एंग्जाइटी है, इसका असर अपने काम के ऊपर नहीं आने दें। इसी के साथ बात करें उपाय की, तो शनिवार का दिन है, आज काले रंग की चीज़ों का दान करना, लेकिन ध्यान रहे आज काले रंग की चीज़ें खरीदनी नहीं है, आपको सिर्फ डोनेट करनी है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी, आपके पास काले रंग का कपड़ा है, उड़द की दाल है आपके घर में, तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल के अंदर छाया दान भी आप लोगों के लिए करना लाभकारी रहेगा। टॉरस की बात कर लेते हैं। 9 of Swords एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है। आज के दिन में मानसिक शांति रहेगी, काफी हद तक कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। इसी के साथ परिवार का सहयोग भी पूरा पूरा मिल रहा है आज वृषभ राशि वालों को। संतान को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर भी आप आज चिंतित रह सकते हैं। आज के दिन में अपनी कोशिश करें एक्सपेंसेस को कम कीजिए। उपाय की बात करें तो आज नीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 7 of Swords कार्ड निकला है। दैट मींस मन आज थोड़ा सा शांत रह सकता है मिथुन राशि वालों का, क्योंकि आपके रिश्तों की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं। परिवार की समस्याओं से परेशानी भी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। बाहर का कुछ खाना पीना अवॉइड करेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग लेकिन पूरा पूरा मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए आप लोगों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में छाया दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तांबे का पात्र या एक लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल डाल करके, उसमें एक सिक्का डाल करके अपनी छाया, अपना चेहरा उसमें देख करके किसी भी डकौत को आप दान कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे कैंसरियंस की। 4 of Pentacles कार्ड निकला है एंड 5 of Swords कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। तो मानसिक उलझनें आज थोड़ी सी रह सकती हैं, किसी बात को लेकर के कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं। बातचीत में अपना संतुलन बनाए रखें, नहीं तो कोई भी इंसान आपकी बात को गलत तरीके से ले सकता है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे किसी बात को लेकर के, कोई बातचीत को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में धन प्राप्ति के योग भी आज बन रहे हैं। यात्रा पर जाना दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो दिन तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा इनिशिएटिव्स आप अपनी तरफ से लेने का प्रयास कीजिए। आज ओम मंत्र का उच्चारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में संध्या काल के समय कोशिश कीजिए आप, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के समय कोशिश कीजिए आप पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर जलाएं।
लियोस की बात कर लेते हैं, एस ऑफ कप्स कार्ड निकला है एंड फाइव ऑफ सॉल्स कार्ड निकला है, सॉरी सिक्स ऑफ सॉल्स कार्ड निकला है आपके लिए। तो आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, वाणी में सौम्यता दिखाई दे रही है जिसकी वजह से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन स्वभाव में कहीं ना कहीं जो एंग्जाइटी है उसे कम करने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी से नोकझोंक आज हो सकती है, तो आज रिश्तों में मिठास के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को एनर्जाइज करना है, कोशिश करें राधा कृष्ण की उपासना आप एक साथ करें, जो भी दंपति है एक साथ वो उपासना करें। इसके अलावा नमक के पानी से स्नान करना आपकी एंग्जाइटीज को कम करेगा। चलिए बात करेंगे वर्गोस, एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स कार्ड निकला है, तो आज के दिन में आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है और अगर ज़्यादा रहेगा तो आपकी आय के लिए नवीन स्रोत भी विकसित होंगे, तो कुल मिलाकर दोनों चीज़ों के लिए बैलेंस रहता हुआ नजर आ रहा है। आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी आय के नए स्रोत भी बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग पूरा पूरा मिलेगा आज कन्या राशि वालों को। छोटा सा उपाय कर लीजिए, ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं आज आपको, इसी के साथ नंबर 5 एक वाइट पेपर पर लिख करके अपने साथ रखना है, अगर किसी इंपॉर्टेंट किसी काम काज के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए बात करेंगे लिब्रल्स, एट ऑफ पेंटाकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड निकला है, कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं तो आपके जो फादर हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं आप लोग, या फिर उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के पास जाना विजिट करना हो सकता है। नौकरी में अफसरों से मतभेद थोड़े से रह सकते हैं, कोशिश करें आप बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में बातचीत ना करें किसी के भी साथ। यात्रा पर जाने का प्लान जो है बना सकते हैं और कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा होगी तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय की बात करें तो आज के दिन में आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का एक माला जाप करना है। स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, 10 ऑफ वॉन्स एंड 7 ऑफ वॉन्स कार्ड निकला है, मानसिक शांति आज बनी रहेगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, नौकरी में तरक्की के मार्ग बन रहे हैं लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत भी शुरू कर दीजिए। वस्त्रों के ऊपर खर्चा हो सकता है, दैट मीन्स के शॉपिंग पर जाने के प्लान्स बन रहे हैं। संतान को स्वास्थ्य कार्य हो सकता है तो आज अपनी संतान को लेकर के जो चिंताएं थी उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए। इसी के साथ बात करें अगर उपाय की, तो आज के दिन में आपको इस मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम त्वम नमामि शनिश्चरम। चलिए बात करेंगे सैजिटेरियंस, द टार एंड टू ऑफ वॉन्स कार्ड निकला आप लोगों के लिए, तो नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, इसी के साथ तरक्की के योग भी बन रहे हैं, आय में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, कुल मिलाकर दिन काफी अच्छा है। सैजिटेरियंस के ऊपर हालांकि शनि की 7.5 चल रही है इस वक्त में, तो आप लोगों के लिए शनि के निमित्त दान करना आज काफी अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के पास सामान नहीं है क्योंकि फ्राइडे को खरीद करके रखना चाहिए, तो सिर्फ किसी शनि मंदिर में जा करके आप दक्षिणा भी अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बात करेंगे केप्रिकॉन्स, द एम्परर एंड द हर्मिट कार्ड निकला है, तो आप लोगों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, आज यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी, संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आज के दिन में संकट मोचन की आराधना करना संध्या काल के समय अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा, कोशिश कीजिए बजरंग बाण का पाठ आप करें। एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए, तो धैर्यशीलता में आज कमी आ सकती है, थोड़ा सा कोशिश करें अपना संयम ना खोएं आप किसी भी ऐसे स्थिति में जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा लाउड आप भी हो रहे हैं, अपनी भावनाओं को वश में रखने की कोशिश करें। मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, यात्रा के कार्यक्रम आपके लिए बन सकते हैं, तो आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा, कोशिश करें आज संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के ऊपर आप कच्चा सूत 7 बार लपेटेंगे, साथ ही में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करेंगे। पाइसिस के लिए पहला कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ वॉन्स एंड द हेरोफेरेंट इज द सेकंड कार्ड, तो मानसिक शांति रहेगी आप लोगों के लिए, किसी पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बात करें आपके लिए नौकरी की, तो नौकरी में कुछ न कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं, तो पाइसिस को एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गुस्सा या वाद विवाद को अवॉइड करना है। उपाय क्या करेंगे आप लोगों के लिए, संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना है, साथ ही में आपको शनि चालीसा का या शनि स्त्रोत का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही आपके दिन का हाल, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।